दूसरा जन्म शीघ्र ले लें। अब आप लोगों से मैंने कह तो दिया कि दूसरा जन्म तुरंत ले लें, लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि क्या जन्म लेना हमारे हाथ में है, क्या हम दूसरा जन्म तुरंत ले सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आज का वीडियो बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, आपके जीवन में विचारों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा कोई समय नहीं होता जिस समय आप कुछ ना कुछ सोचना रहे हो। सोचना यानी विचारों का आना। आपके विचार कभी कभी आपके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, कभी कभी नुकसानदायक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी कुछ सोचते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक अवस्था पर पड़ता है। मतलब आपका एक एक विचार आपको फिजिकली और मेंटली इफेक्ट करता है। मतलब आपके पॉजिटिव विचार आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, मन को स्वस्थ रखते हैं, और इसके विपरीत आपके नेगेटिव विचार आपके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। अगर आपका मन दुखी होता है, आप हर समय नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आपका मन उसी प्रकार के नेगेटिव सिग्नल आपके पूरे शरीर को भेजता है, जिसके कारण आप बिना वजह कभी कभी अस्वस्थ महसूस करते हैं। जैसे ही कोई विचार हमारे मन में आता है, वह विचार तुरंत आपके शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। मतलब हमारा शरीर उस विचार का अनुसरण करने लगता है, उस विचार के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है और फिर प्रतिक्रिया करने लगता है। अब आपका विचार चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका असर आपके शरीर पर अवश्य पड़ेगा। अब आप कहोगे क्वेश्चन वर्ल्ड, ये तो हमें भी पता है कि नेगेटिव विचार हमारे शरीर पर और मन पर बुरा प्रभाव डालता है। ये कॉमन सी बात तो सभी जानते हैं और इसीलिए दुनिया के एक्सपर्ट्स अक्सर एक ही बात कहते हैं कि अपने नेगेटिव विचारों से बचो, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगता है। परंतु समस्या यह है कि विचारों का हमारे मन में आना जाना यह हमारे हाथ में नहीं होता। हमें कौन सा विचार लाना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा विचार हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन इन्हें हम कंट्रोल कैसे करें? अगर कोई नेगेटिव विचार हमारे मन में आता है और बार बार आता है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? हम जितना ही अपनी नेगेटिविटी से बचने की सोचते हैं, तो सोच में भी सब कुछ नेगेटिव होता है। तो भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव विचारों के लिए हम अपने मन का एक्सेस खुला रखें और नेगेटिव विचारों को आने ही ना दें? तो दोस्तों, आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, और वो तैयारी है सही समझ, सही ज्ञान। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में सही ज्ञान होने लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट की उपयोगिता को समझ जाते हैं, उस सब्जेक्ट को अपने जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करना है आप ये जान जाते हैं। और यही समझ, यही ज्ञान देने के लिए आज हमारे पास में है किताब, जिसका नाम है मन के लिए अमृत की बूंदें, जो डॉक्टर अबरार मुल्तानी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में आप जानेंगे कि हमारा मन सारा जीवन किस प्रकार कार्य करता है और कैसे हम इसे अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मन के लिए अमृत की बूंदें इस बुक समरी को आप कुकू एफएम के माध्यम से सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की बहुत सारी किताबें, मतलब 10,000 प्लस ऑडियो बुक कंटेंट आपको कुकू एफएम पर मिल जाता है, जो कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। और हाँ, अगर आप कुकू एफएम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो आपको इसकी मेंबरशिप के लिए 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ल्ड फैमिली के लिए, यानी अगर आप कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं और QNW50 कूपन कोड यूज करते हैं, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को यही 399 रुपीज का यानी 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन 200 रुपीज के डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपए यानी 199 का पड़ेगा। और यूजर्स द्वारा इस ऐप की रेटिंग भी 4.5 स्टार की है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाओ और इसे डाउनलोड कर लो। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे अपने विचारों के बारे में, किस प्रकार आपके बुरे विचार आपको जीते जी पल पल मौत का एहसास कराते रहते हैं।
आप इसे ऐसे समझें, एक गांव में एक व्यक्ति था जो मुस्लिम समाज से था। वह अपने जीवन में अत्यंत दुखी और परेशान था। ना तो उसका शरीर स्वस्थ था और ना ही उसका मन किसी कार्य में लगता था। उसके गृहस्थ जीवन में भी बहुत कलेश था, मानो जीवन की सभी परिस्थितियां उसके विपरीत चल रही हों। और मैं मानता हूं इस प्रकार का समय लगभग हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार अवश्य आता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसने जन्म ही क्यों लिया, उसका जीवन व्यर्थ है, उसे जीने की चाह नहीं होती। इस प्रकार के जीवन से वह मृत्यु को ज्यादा पसंद करने लगता है। तो उसी गांव के बाहर एक साधु बैठा करते थे। उस साधु का ना तो कोई अपना था और ना ही घर था, परंतु वह हमेशा खुश रहता था। गांव के दुखी परेशान लोग अक्सर उसके पास आया करते थे और अपनी समस्याएं उन साधु को बताते थे। वो साधु ऐसे दुखी परेशान व्यक्तियों को उनकी समस्या परेशानी का उपाय बताते थे, जिससे गांव के लोगों को बहुत फायदा होता था, उनके जीवन में बदलाव आ जाते थे। तो एक बार उस व्यक्ति ने भी सोचा जो मुस्लिम समाज से था। शुरू में उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसे साधु के पास जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी परेशानियां उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थीं। तब एक दिन वह उस साधु के पास चला गया और उस साधु को अपनी सभी परेशानियां बताई। उसने कहा कि मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, मेरा यह जन्म बिल्कुल बेकार हो गया है, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इस जीवन को ही त्याग दूं। साधु ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, जब तुम अपने जीवन से इतने परेशान हो गए हो तो दूसरा जन्म क्यों नहीं ले लेते। फिर उस मुस्लिम ने उस साधु की तरफ बड़ी ही अजीब सी निगाहों से देखा। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या आप जानते नहीं कि मैं एक मुस्लिम हूं? क्या आप नहीं जानते कि हमारे धर्म में ये दूसरा जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते? फिर साधु ने कहा, तुम मेरी बातों का अर्थ नहीं समझे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब तुम्हारे जीवन में कोई रस नहीं रहा, तुम्हारे जीवन में चारों तरफ समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रही, क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो कि सारी नकारात्मकता केवल तुम्हारे जीवन में है, इसी सोच की वजह से तुम खुश नहीं रह पा रहे, तो इस तरह के जीवन को तुम जीना क्यों नहीं छोड़ देते? मेरा अर्थ यह है, यही जीवन, यही समय शायद तुम्हारे पड़ोसी के लिए बुरा नहीं हो। इसी समय में तुम्हारे आसपास बहुत से लोग खुश रह रहे हैं, तो समय गलत नहीं है और ना ही परिस्थितियां गलत हैं। अगर कुछ गलत है तो केवल तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच। तुम अपनी सोच को ही क्यों नहीं मार देते? नए जीवन की शुरुआत क्यों नहीं करते? इसी को मैं दोबारा जन्म लेने की बात कह रहा हूं। आप क्यों ना अपने जीवन का दुख, परेशानियां, नेगेटिविटी, इन सब को दफना कर एक सुखी जीवन की शुरुआत करें। अगर आप सोचते हैं कि आप कल दुखी थे, आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां थी, कष्ट थे, तो जरा आप सोचो, वह कल था और कल आज नहीं है, कल तो मर गया है। जब कल के डूबते सूरज के साथ उसकी मृत्यु हो गई और आज एक नया सूरज उगा है, नया सवेरा हुआ है, तो जन्म तो तुम्हारा रोजाना होता है, परंतु तुम मरे हुए कल को पकड़ लेते हो, जिसके कारण तुम्हारा आज भी कल की तरह निराशाजनक हो जाता है। तुम्हारी परेशानियों का इलाज कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास जो दुख, जो पीड़ाएं हैं, वो किसी और ने तुम्हें नहीं दी हैं, वो स्वयं तुमने ली हैं, उन सबको स्वयं तुमने अपनाया है। जब तुमने किसी परेशानी, पीड़ा को पकड़ा है, तो उन सबको छोड़ने का कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में है। जंगल का एक विशालकाय पेड़ 100-200 साल तक जी सकता है। एक पेड़ ना जाने अपने जीवन काल में मौसम के कितने बदलाव को देखता है, प्रकृति के कितने थपेड़ों को झेलता है, आंधी, तूफान, बिजली, पानी, ये सब कुछ झेलता हुआ खड़ा रहता है। लेकिन जब उस पेड़ में छोटी छोटी दीमक लग जाती हैं, तब वह छोटी छोटी दीमक उस विशालकाय पेड़ को खोखला कर देती हैं। इतना शक्तिशाली पेड़ भी उन छोटी छोटी दीमकों के आक्रमण को नहीं झेल पाता। आपका जीवन भी उस पेड़ की तरह है। आपके दिमाग में चल रहे छोटे छोटे विचार वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। कोई भी नेगेटिव विचार आपको छोटा सा लग सकता है, लेकिन वो विचार आपके जीवन में भयानक परिणाम ला सकता है। तो केवल आप अपने विचारों का परीक्षण करें।
आपके जीवन में जो बुरा समय था वो कल था, वो बीत गया है। कल के बारे में अगर आप आज सोचोगे तो आप अपना आज भी खराब कर लोगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपका प्रेजेंट यानी आपका आज ये समय, इसको बनाने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। चाहे तो आप अपने मन में पुराने विचारों को भरकर अपने प्रेजेंट को खराब कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ नए पॉजिटिव विचार लाकर अपने आज और आने वाले कल को आनंदमय बना सकते हैं। एनीवे, इस किताब के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आप इस पूरी बुक समरी को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुकू एफएम का लिंक है, वहां जाइए, कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए।